दाखला गणवाने इंट्रोडक्शन अंदर अलग अलग सूत्रों लखाया था। शुरुआत में जो आप 8.1 गए अपने साइन थीटा बराबर आ कॉस बराबर साबा भाग्या पाबा भाग्या साबा ए सूत्रों नो उपयोग करतो। पछी बीजा दाखला गए अपने गणा जे मां खूणा नो माप अपने शोधता था अने खूणा ना माप नो सूत्र याद करता था साइन बराबर साइन जीरो बराबर जीरो साइन थर्टी बराबर एक ना छेद में बे ए रीते। तो हवे अहींया अपने वेस्टवाला सूत्रों तमने इंट्रोडक्शन में सूत्र बनाया था नाइन थीटा बराबर कोस अने कोस बराबर 90 थी माइनस थीटा बराबर साइन अपने आवा सूत्रों बनाया था। टेन बराबर शू था टेन कॉटनोस व्यस्त करना टेन नाइंटी अंश ओछा थीटा बराबर कॉट शू था आना बराबर अपने कॉट कर सकिए। तो कॉट बराबर 90 ओछा थीटा बराबर टेन अने कोसेक 90 अंश ओछा थीटा बराबर सेक अने सेक बराबर 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक। तो एक बीजा वेस है तो अपने साइन ने कोसेक में फेरवी सकिए अने कोसेक ने साइन में फेरवी सकिए। पर तो ज्यारे कोसेक साइन बराबर 90 ओछा थीटा बराबर कोस था छूटा आना बराबर शू था आ सूत्र बराबर। तो अपने अहीं ए सूत्र नो उपयोग करवानो छे साइन 18 अंश अने कोस 72 अंश। तो अपने साइन ने कोस में फेरवीए अथवा कोस ने साइन में फेरवा पड़े। तो जो साइन ने कोस में फेरवा माटे साइन बराबर कौंस में 90 ओछा थीटा बराबर कोस था अने जो कोस साइन ने कोस में फेरवा तो कोस बराबर 90 ओछा थीटा बराबर साइन था। तो हवे आने आम फेवरी के आने आम फेवरी कोई फरक पड़े गमे तेम तमे फेरी शको। आपणे साइन ने कोस में फेरवीए ज्यारे साइन ने कोस में फेरवा त्यारे शुं लखवानुं साइन नी जग्याए कोस। हवे साइन ने कोस में फेरवीए छीए आपणे तो कोस बराबर शुं थाय माप कोस बराबर 90 ओछा थीटा एटले जे माप आपी छे थीटा अहींया शुं लखेलुं छे 90 ओछा थीटा थीटा एटले अहींया आपणे केटला आप्या छे 18 तो 18 ख्याल आए कि आप साइन ने सामो फेरव्यो कोस मो। तो साइन ने कोस मो फेरवा माटे शुं पड़े कोस बराबर 90 ओछा थीटा बराबर साइन थाय। तो साइन मो कोस मो फेरव्यो तो कोस 90 ओछा जे माप आप्युं छे थीटा अहींया आप्युं तो शुं आप्युं तो अहींया थीटा तो थीटा नी जग्याए जे माप छे ए भाग्या एक ने ज फेरवाने एक ने आमने आम रहेवा दो कोस बराबर 72 आवशे। हवे कोस 90 માંથી 18 જાય તો cos 72 છેદમાં cos 72 cos કૌંસમાં 90 ઓછા 18 18 અહીં આપે છે એટલે 18 લખી દેવાને થીટા ને માપ જે આપી છે થીટા ની જગ્યાએ આપણે sin ને cos માં ફેરવ્યું છે। તો cos sin ની જગ્યાએ cos લખવાનું બરાબર 90 ઓછા 18 ના 18 ભાગ્યા આ જે નીચે છે એને એમ ને એમ જ રહેવા દેવાનું cos બરાબર 72 અંશ। तो 90 ઓછા 18 એટલે 90 માંથી 18 જાત કેટલા હતે 72 તો cos બરાબર 72 અંશ અને આ cos એમ ને એમ cos બરાબર 72 અંશ તો cos 72 cos 72 જતા રહે બરાબર 1 આપણો પહેલો જવાબ। હવે એ રીતે છે tan 26 અંશ અને cot 64 તો આપણે tan ને cot માં ફેરવીએ અથવા cot ને tan માં ફેરવીએ તો આપણે tan ને cot માં ફેરવીશું તો tan ની જગ્યાએ શું લખી દેવાનું cot 90 અંશ ઓછા થીટા છે અહીંયા તો થીટા ની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું 26 નીચે છે એને એમ ને એમ જ રહેવા દો cot 64 તો cot 90 ઓછા 26 90 માં તો 26 જાય તો કેટલા રહે 64 નીચે પણ એમ ને એમ જ રહેવા દો
कॉट कॉट जितना ने बराबर कितना बदे एक जो गुणाकार होए के भागाकार सर भागाकार होए तो छह दूनी जाए तो जीरो कभी लगता नहीं क्यों कि बाद बाकी होए बाद बाकी ऐसे तो जीरो आवश्य बाकी भागाकार ऐसे तो सो आवश्य एक जॉब आवश्य अब ये कॉस 48 हो जा साइन 42 तो कॉस ने साइन में फेरो के साइन ने कॉस में फेरो तो अपने कॉस ने साइन में फेरो तो साइन 90 हो जा थीटा की जगह 48 हो जा एने हमने अब रखो साइन 42 तो साइन 90 માંથી 48 જાય તો કેટલા રહે 42 ઓછા sin 42 હવે પ્લસ આ પ્લસ 42 છે અને માઈનસ sin 42 છે પ્લસ માઈનસ શું જતા રહે તો શું વધે 0 હવે cosec 30 અંશ 31 અંશ અને sec 59 અંશ તો cosec ને sec માં ફેરવો કે sec ને कॉसेक में फिर आते हैं पर कॉसेक ने सेक में फिर लिसो तो सेक 19 और चा कितना छे 31 माइनस सेक अने हमने हम बज रहा तो 59 तो सेक 31 जैसे इतने ओगन साइड माइनस सेक 59 प्लस 69 माइनस 59 बराबर 0 तो मित्रों आता चार दाखला बहुत सहला छे आमा कोई बहुत तकलीफ नहीं खाली तुम्हारे चार सूत्रों याद रखवाने छे साइन कॉस नो वेस से तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस तो ए ज रीते कॉस 90 बराबर साइन થાય tan 90 बराबर cot થાય तो cot बराबर tan થાય આ બીજાના વ્યસ્ત છે આ તમારે ખાલી સૂત્રો ચાર યાદ રાખશો તો આ દાખલા લગભગ બહુ એક માર્કમાં જ પૂછાય છે એટલે સૂત્રો યાદ કરી લેજો તમારે નોટબુકમાં ઉતારી લેજો જોઈએ દાખલા નંબર 2